नमस्कार दोस्तों, पीके एंटरप्राइज चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आज बात करें कि क्या टॉपिक है, तो टॉपिक के रिगार्डिंग दोस्तों, अगर आपके पास ICICI का कोई क्रेडिट कार्ड आया हुआ है, बेशक आपके पास अकाउंट ICICI में है या नहीं है, आप ICICI का क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको, अगर फर्स्ट टाइम आया है, तो इसका आप पिन कैसे जनरेट करेंगे और इसे एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल पीके एंटरप्राइज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस अवश्य करें, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली से आ सके और आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन का फ़ायदा उठा सकें। और जो दोस्त हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो बात करें कि दोस्तों, इसे एक्टिव कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ ICICI bank.com ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही ये ICICI bank.com आपका इस तरह से पोर्टल लॉगिन होगा, आप इसे लेटर या अलाउ भी कर सकते हैं, जो आप चाहें। इसके बाद दोस्तों, इस तरह से जब अगर आपके पास विंडो आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ जो लॉगिन का ऑप्शन है, आपको यहाँ क्लिक करना होगा। आप न्यू यूजर हैं, तो इसके लिए आपको इस तरह से यहाँ आपको ये विंडो सारी ओपन होगी। तो आपको यहाँ करना क्या है दोस्तों, यहाँ गेट यूजर आईडी पे आपको क्लिक करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये आपका जो विंडो है वो ओपन होगा, और जो है आपको ये पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ना कोई डेबिट कार्ड है, ना ट्रैवल कार्ड है। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से करेंगे, डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट पर करेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ क्रेडिट कार्ड नंबर डालेंगे, और ये डालने के बाद यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी होगा वो मोबाइल नंबर आप यहाँ डालेंगे। और ये डालने के बाद आपको यहाँ गो करना होगा, लेकिन इससे पहले आप देख रहे हैं कि दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल ओनली फॉर इंडियन मोबाइल नंबर, सिर्फ ये इंडियंस के लिए है। अगर कोई भी फॉरनर वगैरह है तो उसके लिए ये नहीं होगा। आप यहाँ अदर कंट्रियों का अगर कोई मोबाइल नंबर है, देन ये एस्पेक्ट नहीं करेगा। देन आप यहाँ जो है गो करते हैं। गो के बाद आप देख रहे हैं, हम इसे नेवर कर देते हैं। योर इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो दोस्तों, यहाँ हम रजिस्टर्ड मोबाइल पर जा चुके हैं। अब यहाँ से लॉगिन पासवर्ड हमें जनरेट करना है, तो यहाँ से हम जो है जनरेट करेंगे। और जनरेट करने के बाद दोस्तों, इस तरह से यहाँ आएगा, और यहाँ आपको करना क्या है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे जाएंगे। और यहाँ करने के बाद दोस्तों, यहाँ आपको जो है यूजर आईडी जो रजिस्टर्ड मोबाइल पे आई होगी, वो रजिस्टर्ड यूजर आईडी जो है वो यहाँ डालेंगे, वो हम यहाँ डालते हैं। ये डालने के बाद दोस्तों, यहाँ आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अगेन डालना होगा। और ये डालने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ अगेन जो है गो पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ वन टाइम पासवर्ड जिसे OTP कहेंगे, OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, और वो OTP जो है दोस्तों, वो यहाँ आपको डालना होगा। वो डालने के बाद दोस्तों, आपको फिर क्या करना है, अगेन गो पे क्लिक करेंगे। और गो पे जाने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं न्यू पासवर्ड, तो यहाँ आप न्यू पासवर्ड कोई भी बना सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ से डाल लेते हैं, और जो पासवर्ड ऊपर डाला है वही पासवर्ड हम यहाँ डाल लेते हैं। और डालने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ अगेन फिर यहाँ गो करेंगे। और गो करने के बाद आप देख रहे हैं कि यू हैव सक्सेसफुली जनरेट योर ICICI बैंक इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड। अब आप यहां से इसे हम लॉगिन कर सकते हैं। और यहां से अगर हम यूजर आईडी यहां आपको अगेन डालना होगा, और जैसे ही हम यहां यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आपकी इंटरनेट बैंकिंग जो है लॉगिन हो जाएगी, और वहां से आप पिन जो है वो रीसेट कर सकते हैं, वाई मैसेज भी कर सकते हैं आप। तो हम यहां डालते हैं यूजर आईडी, और इसके बाद यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं। और ये डालने के बाद दोस्तों, यहाँ आपको लॉगिन करना है, यहाँ लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, इस तरह से आपका जो
इंटरनेट बैंकिंग है वो आपकी काम करेगी और आप यहाँ से जो है पिन जनरेट कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस तरह से ये पूरा आपका इंटरनेट बैंकिंग की जो सेवा है वो यहाँ से आपकी पूरी खुल चुकी है। दोस्तों जैसे अगर आपको पिन कार्ड भी अगर चेंज करना है, पिन जनरेट करना है नया है, तो आपको क्रेडिट कार्ड पे यहाँ क्लिक करना होगा और क्रेडिट कार्ड यहाँ आ रहा है, ये क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे और क्रेडिट कार्ड पर जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे काफ़ी फंक्शन दे रखे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जनरेट क्रेडिट कार्ड पिन ऑनलाइन, हमें यहाँ क्लिक करेंगे और इसके बाद दोस्तों यहाँ कार्ड नंबर आपका यहाँ से उठा लेगा। इसके बाद आपको पीछे के जो CVV नंबर है वो आपको यहाँ टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ सबमिट करना है और जो रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो है एक OTP जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, वो पासवर्ड आपको यहाँ डालना होगा। और ये डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद यहाँ क्रेडिट कार्ड पिन आप यहां से जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप यहां जनरेट कर सकते हैं और जो सेम वर्ड 4 अंकों का यहां डाला है वही सेम नंबर यहां डालेंगे और देन जनरेट नाउ करेंगे। और जनरेट नाउ करने के बाद आप देख रहे हैं द क्रेडिट कार्ड पिन हैज बीन जनरेट सक्सेसफुली। और दोस्तों इस तरह से जो है हम कोई भी क्रेडिट कार्ड है उसका पिन जो है ईजिली से जनरेट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग का जो ID पासवर्ड अभी हमने बनाया है उसके थ्रू जो है हम क्रेडिट कार्ड का जो भी EMI है, इंस्टॉलमेंट है, ड्यू है और कैसे उसका पे आउट करना है वो सारी चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।